सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं 1 घंटा 1 मिनट दूर, जो अभी मैंने बताया। ऑफ कोर्स दीपक कुछ तो चेक कर रहा है, पीछे दिख रहा है, और आपको अभी डलिया दिखी होगी। वो डलिया हम लोग हमारे फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, तो हम आलू के पराठे लेके जा रहे हैं उस डलिया में, और भी उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट। तो चलो, और जो जगह जा रहे हैं दैट्स द वेरी गुड प्लेस, मतलब अभी थोड़ा बीच में रास्ते में मैं आपको बताऊंगी। क्या देख रहे थे दीपक, क्या हुआ टायर में? ऐसे देख रहा था सेफर साइड ठीक है कि नहीं। हाँ, हम लोगों ने टायर चेंज कराया था, तो उसके बाद 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रन करने के बाद एक बार जाके फिर दिखाना होता है, जो हमने नहीं दिखाया तो सेफर साइड के लिए दीपक चेक कर रहा था। तो चलो रास्ता बताते जाएंगे हम आपको, ऑटोबान बताएंगे, ऑटोबान के बारे में बताएंगे, और वहाँ पहुँच के वो जगह के बारे में बताएंगे। तो हम लोगों के साथ रहो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो अभी आने वाली हैं थोड़ी सी देर में। मेटजिंगन सिटी जा रहे हैं, तो एक वीडियो मैंने बनाया था, ऊपर आ रहा होगा देखना। मेटजिंगन जो है वो शॉबिन सिटी है, टिपिकली शॉबिन सिटी, और इसको अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, लोग मेटजिंगन सिटी फैक्ट्री आउटलेट सिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूगो बॉस का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, मतलब ह्यूगो बॉस ने ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस बना दी। उसके अलावा जितने भी बड़े ब्रांड्स यू कैन थिंक, उसके फैक्ट्री आउटलेट वहाँ पर हैं। जो भी आप सोच सकते हो, जो लग्जरियस ब्रांड, उन सब के आउटलेट जो है वो वहाँ पर है। एक वीडियो बनाया, वो ज़रूर देखना। आज तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी और आपको बहुत अच्छी बातें बीच बीच में बताऊँगी, प्लस ऑटोबान की स्पीड बताऊँगी कि दीपक ऑटोबान में कितनी स्पीड पर चलाता है। चलो दीपक नहीं भी चलाएगा तो लोगों को दिखाएंगे, क्यों दीपक कितनी स्पीड लिमिट है ऑटोबान की? कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई नहीं है, अपन तो लिमिट में रहते हैं। नहीं, कोई स्पीड है लिमिट सीरियसली 200 300 400। ये मतलब मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था जब इसने मुझे बताया, यहाँ एक ऐसी टर्म है जिसको बोलते हैं ऑटोबान, जो बेसिकली हाईवे होता है, वहाँ पर कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। मैं बोला ऐसा होता है क्या दीपक? कहता है हाँ भाई ऐसा होता है। और फिर हम लोगों ने बहुत उस पर थोड़ा पड़ा वड़ा, फिर हमने अपने दोस्तों से पूछा, दोस्त भी यही बोलते हैं कि भैया यहाँ जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वाले होते हैं ना, वो सिर्फ जर्मनी इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी स्पीड में गाड़ियाँ जो हैं वो चला पाए। तो अभी अपन चलो ऑटोबान पर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ऑटोबान। पहुंचेंगे ऑटोबान पे, अब तो धूप भी आ गई। ऑटोबान पता नहीं यहाँ से आएगा अभी के लिए इस रास्ते से, सच में पता नहीं, देखेंगे आएगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाय, चलो स्नो ही ढूंढ लेते हैं अब, ऑटोबान नहीं मिलता। नहीं, मुझे ऑटोबान पे जाना है, ऑटोबान पे थोड़ा बहुत का स्ट्रेच आएगा छोटा। हाँ, जो भी स्ट्रेच आएगा वो। बड़ी सी
मस्त दिख रही है, एक दिन आऊंगी मैं इधर। गांव में से बीच बीच में से गांव और शहर में से निकल रहे हैं, ऑटोबान नहीं आ रहा। जो चीज मैं वीडियो में बोल देती हूँ वो आती नहीं। पता है मुझे एक डायलॉग याद आ गया, अभी सुरभि बोल रही थी यार ये रोड पे गड्ढे हैं। हाँ, मुझे बोला यार इनके जिनके घर कांच के होते हैं ना वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। मतलब हम ऐसी जगह से हैं इंडिया में यार, तो मैं मेरा कैमरा यूं हिल रहा था, मैं बोला यार दीपक यहाँ गड्ढे हैं। थोड़े से पैच, मतलब इतना स्मूथ रोड चाहिए लड़की को, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ तो अभी चलो फिर ये गांव और शहर बीच बीच के देखते हुए चलो। ये टिपिकली शॉपिंग एरिया है तो यहाँ पर बीच बीच में पहाड़ दिखेंगे। जो टाउन्स हैं उसी के आसपास बहुत ही पहाड़ी एरिया है एंड जंगल एरिया है, जो जंगल भी दिखेंगे। और होपफुली मतलब ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा ये नेचर देखने में, क्योंकि आज मौसम भी बढ़िया सा हो गया। एक्सप्रेस वे, अभी भी ऑटोबान तो नहीं आया। एक्सप्रेस वे इसमें क्या स्पीड लिमिट होती है दीपा? इसमें 120। ये 120 है, बट अभी देखते हैं ऑटोबान जैसे ही आएगा ब्लू कलर का बोर्ड दिख जाएगा, अभी जो नहीं दिख रहा है। जैसे ही आएगा ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे। अब हम लोग रास्ता दिखाते दिखाते शायद 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फैशन सिटी मेडजिंगन सिटी जिसके बारे में बोल रहे हैं, जा तो रहे हैं वहाँ पर बिकॉज लॉकडाउन है यहाँ पर तो सब कुछ बंद होगा। तो देखते हैं मेडजिंगन सिटी लॉकडाउन के टाइम पे कैसा दिखता है, बिकॉज आज तक मैंने नहीं देखा वहाँ दुकानें बंद की हुई। हम लोग जब भी जाते थे पूरा प्लान करके जाते थे कि एक दिन पूरा दिन शॉपिंग करेंगे, पहले जितनी भी बार गए हैं ना दीपक रहता है। हाँ, बहुत भीड़ रहती है, लोग प्लान करके आते हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं वो प्लान करके आते हैं पूरे दिन का और बजट लेके आते हैं अच्छा खासा, वो पैसा वहाँ पर जाके बर्बाद करते हैं। बर्बाद ही होता है ना। इतने महंगे महंगा, बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है, पर देन ऑफकोर्स जो ब्रांड जिनको ब्रांड्स पसंद है उनके लिए वो आई थिंक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि आपको फैक्ट्री प्राइजेस पे चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। अब पहुँचने वाले हैं, चलो आपको भी दिखा देंगे यहाँ की फैशन सिटी कैसी होती है। रास्ते आपने देख ही लिए हमारी जगह से मेडजिंगन, नॉट सो फार, अराउंड लाइक एक घंटे में आ गए। ऑटोबान नहीं आया था बीच में, इस वजह से जल्दी आ गए, नहीं तो और जल्दी, इस वजह से थोड़ा सा लेट आए, नहीं तो और जल्दी पहुँच जाते हैं ना दीपक, क्योंकि वहाँ पर फिर स्पीड में गाड़ी चलाते। और बस चलो फिर वहाँ पर पहुँच के एंड देन थोड़ा सा हम आपको मेडजिंगन भी दिखाते हैं। पानी गिर रहा है, बंदर की शादी हो रही है। अपने कहाँ कहाँ से ये लेके आते हैं यार, बहुत मतलब अगर धूप हो रही है और बारिश हो रही है तो बंदर की शादी हो रही है। क्या लॉजिक है यार। बंदर की शादी भी करता है भैया, कौन से बंदर की शादी हो रही है बता देना नीचे कमेंट कर देना। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। अरे दिन दिन मतलब डेट 30 दिसंबर 2020 को। दुनिया में कहीं भी है तो बंदर की शादी है। सबसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको एक ट्रैकिंग और वॉकिंग एरिया बताया था, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी हम लोग निकल रहे हैं इस रास्ते से। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जंगल फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है। तो दीपक से मैं पूछ रही थी कि सेफ नहीं होता, सेफ होता है क्या यहाँ? तो ये बोल रहा है कि हाँ दो लोगों से सेफ नहीं होता। कौन कौन दीपक?
एक इंसान खराब हो या जानवर हो, दो चीजें हो तो जगह सेफ मतलब नहीं है। चोरी चकारी हो, मतलब वही चोरी लूट लपाट मर्डर, हाँ, या फिर जानवर, या जानवर हो गई तो ही अनसेफ होते हैं जंगल। और एक्चुअली दोनों ही नहीं है, दोनों चीजें इतनी नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मुझे बहुत कमेंट नीचे आते हैं कि यहाँ ये जर्मनी लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं। लड़कियाँ तो लड़कियाँ, किसी के लिए भी सेफ है ऑब्वियसली, बहुत सेफ है। सब लोग तो अच्छे नहीं होते 100%, लेकिन मैक्सिमम जितना अभी तक मैंने यहाँ 2 सालों में देखा है, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ अनसेफ जैसा। और इवन ट्रैक करने जाते हैं हम लोग, जो एकदम सुनसान होता है, एक भी पर्सन नहीं दिखता तो भी कुछ नहीं लगता। प्लस ऑब्वियसली जानवर नहीं होते तो लगता ही नहीं है ना। तुमने कभी फील किया है, किसी का एक्सपीरियंस कभी सुना है तुमने ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना। नहीं सुना, अगर होगा तो पक्का सुनाएंगे एक्सपीरियंस। आई थिंक पहुँच नहीं पा रहा ना। सिंगन की गलियों में है और यहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है, तो मेरी फ्रेंड जो है वो मास्क लेने गई है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अभी चलते हैं आगे। ओके, सो माय फ्रेंड इज हियर, शी फ्रॉम मेटसिंगन, लाइक ब्रॉन एंड बॉटम फ्रॉम मेटसिंगन। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मेटसिंगन? वेल, इन मेटसिंगन वी हैव आवर आउटलेट सिटी विद अ लॉट ऑफ high fashion brands like Hugo Boss, Prada, Gucci. Mm-hmm. Yeah. I think all luxurious and premium brands. Yeah. So yeah. You shop from here? No. It's too expensive for me. So we are going for a walk and we'll take you also. I know this is in English because of course she doesn't know Hindi. So, and here in Metzingen we should wear our mask. It's important right now. So that's why we are in our mask. So we'll show you around.